नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँ। एक ऐसी व्यक्तित्व के साथ, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो पिछले दिनों कुछ अस्वस्थ रही और नगर परिषद की वर्दी चेयरमैन हैं। आप हैं डॉक्टर श्री शर्मा। डॉक्टर श्री शर्मा को कौन नहीं जानता। डॉक्टर श्री शर्मा वार्ड नंबर 7 की पार्षद हैं और नगर परिषद की वाइस चेयरमैन हैं। इन्होंने शहर के लिए बहुत आवाज़ उठाई, शहर में स्वच्छता अभियान के लिए इन्होंने अभियान चलाया, इन्होंने क्लीनिनेस हाउसकीपिंग के लिए अभियान चलाया और जो भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार की आवाज़ पिछले दिनों इन्होंने काफ़ी बुलंद की। शहर के लिए इनका दिल धड़कता है, शहर साफ सुथरा हो, शहर में अमन शांति हो, शहर में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण ना बने, तो इनमें इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया और पिछले दिनों कुछ अस्वस्थ रही। अब एक लंबी अस्वस्थता के बाद ये मुख्य धारा में फिर आई हैं। कुछ कमज़ोर लग रही हैं लेकिन मानसिक रूप से बिल्कुल तरोताज़ा हैं। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाली डॉक्टर श्री शर्मा से हम बेवाक बातचीत करते हैं कि आपने पहले बहुत संघर्ष किया शहर के लिए, अब आपको कैसा लग रहा है कि शहर में कितना विकास हुआ है और बदहाली जो पहले हम नज़र आती थी उसमें भी कुछ अंतर आया है। तो आइए इनसे एक बेवाक बातचीत करते हैं। डॉक्टर श्री शर्मा, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे मीडिया चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक लंबी बीमारी के बाद आए, कुछ कमज़ोर भी लग रही हैं पहले से, लेकिन मेंटली अलर्ट हैं? बिल्कुल 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 मेंटली अलर्ट हैं। आज आपको जैसे पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ इंडिया हेल्दी इंडिया का नारा दिया है जी, तो उसी के तहत आप देख सकते हैं मुझे स्वस्थ इंडिया और हेल्दी इंडिया के लिए जी। हासी शहर आपने बहुत जिया है जी, बिल्कुल। यहाँ आपके दादा एक रिनाउंड डॉक्टर है, आपके पिता रिनाउंड डॉक्टर रहे, आपके भैया रिनाउंड डॉक्टर रहे और खासकर आपके पति ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं, एक आई सर्जन हैं और आप डेंटल सर्जन हैं और नगर परिषद में चेयरमैन भी हैं आप। नगर की पोजीशन पहले बहुत बदहाल नज़र आती थी, जगह जगह कचरा पॉइंट नज़र आते थे और स्ट्रे कैटल्स की समस्या आज भी नज़र आती है, तो आपको क्या लगता है कि पहले की पोजीशन और अब की पोजीशन में कुछ अंतर है? ऐसा है कि पहले की पोजीशन और अब की पोजीशन में मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी फ़र्क आ गया है। आप जैसे स्टे कैटल्स के लिए कह रहे हैं कि उसके लिए भी नगर परिषद जल्द एक योजना लेकर आने वाली है। बाकी कूड़ा के लिए आप देख रहे हैं, जो सफाई के लिए आप देख रहे हैं, उसके लिए नगर परिषद काफ़ी मेहनत कर रही है इस समय पे। चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, अभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट की आपको कमी लगती होगी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी सारी जगह लगा दी गई हैं, सड़कें भी सारी नई बनाई गई हैं अभी, तो नगर परिषद धीरे धीरे सुधर रहा है और मुझे लगता है कि जो एक दो कमियां अभी भी नगर परिषद की तरफ से रह रही हैं वो भी बहुत जल्दी सुधार ली जाएंगी। बेसिक विकास कार्य हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है शहर में? देखिए बेसिक विकास कार्य क्या होता है, एक नगरवासी आपसे सफाई चाहता है, अच्छी रोड चाहता है, आप लाइट चाहता है रात के समय, तो वो चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है 70% तक हम उसमें विकास करवा चुके हैं, जो 30% रह गया है वो भी बहुत जल्दी हम करवा देंगे। उससे अलग मैं बताता हूँ क्या है, एक पानी की निकासी का जो बरसात में झील बन जाता है पूरा शहर, दूसरा सीवर सिस्टम का, तीसरा यानी कि यहाँ स्टे कैटल्स का और चौथा आपने बताया ही सफाई का और कंटमिनेटेड वाटर का। कंटमिनेटेड वाटर आप समझते हैं कि दूषित पेयजल, दूषित पेयजल। इन समस्याओं पे और इन प्रॉब्लम्स के ऊपर यानी कि फोकस है या नहीं है नगर परिषद का, या महज डेकोरेट कर दिया गया है पूरे उस? देखिए आप जैसे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, हांसी शहर एक बहुत प्राचीन मतलब पुराना शहर है जी। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई उस समय क्या था कि सरकार का ध्यान नहीं था कि पानी की निकासियों पर या जो भी बढ़ती हुई जनसंख्या जो हांसी में होगी उस हिसाब से नहीं था ध्यान। परंतु अब हमारे जो वाटर वर्क्स हैं इनके जो काम है उसी तरीके से कराया जा रहा है, जैसे सीवरेज सिस्टम को पूरा स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। आप ये देखिए जो निकासी का आप कह रहे हैं दिक्कत, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लान बनाया गया है हमारे एक्सचेंज सर के द्वारा और एसडीओ हैं वहाँ पर वाटर वर्क्स में, तो इन सब का काम बहुत अच्छे से करा जा रहा है।
और आप जैसे जानते होंगे ये सब ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया और आप कल अब खत्म कर सकते हो, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसके थ्रू जैसे आपने अगर एक पार्ट शुरू किया तो आप उसको ही पहले खत्म कर सकते हो, ये नहीं कि आपने सारा खोद के रख दिया और उसके बाद आप कर रहे हो। तो ये तो धीरे धीरे होने वाले काम हैं और होंगे, जैसे कि अब मैं आपको बताया कि प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसका अप्रूवल तक आ चुका है, तो धीरे धीरे उसको भी स्ट्रीमलाइन में लाया जाएगा। डॉक्टर साहब, आप वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या काम करते हैं? महिलाओं पे बहुत एट्रोसिटीज होती हैं, बड़ी जातियाँ होती हैं उन पर, आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, सोसाइटी के अंदर भी देखती हैं, आप जैसी पढ़ी लिखी जागरूक महिला उनको, उनके लिए क्या काम करती हैं और किस तरह की उनको अपनी एडवाइस देती हैं? देखिए, मेरे पास जितनी भी महिलाएं आती हैं जी, आपके वार्ड की भी आती हैं, मेरे क्लिनिक पे आती हैं, मेरे वार्ड की आती हैं, तो मैं जैसे आप चाहे घरेलू हिंसा की हम अगर छोटी सी बात ले लें, तो मैं उनको एक ही राय देती हूँ कि आपने अगर एक बार उसको सहन कर लिया तो वो एक हैबिट बन जाती है, वो एक इंसान की फितरत बन जाती है कि वो करेगा ही करेगा उस जुर्म पे। तो मैं सभी महिलाओं से जो आज ये मेरा देखेंगी इंटरव्यू, मैं उनसे सभी से एक बात बोलूंगी कि जब आप पहली बार उस चीज़ को सहन कर लेंगी ना, तो आपको समझ लेना कि आपको पूरी ज़िंदगी उसे सहन करना ही पड़ेगा। तो हमें पहली बार भी उसे सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज महिलाएं कहीं पर भी पीछे नहीं है, चाहे आप राजनीति में देख लीजिए, चाहे आप डॉक्टरी में देख लीजिए, चाहे आप और किसी भी विषय में देख लीजिए। अगर आपने कोई पढ़ाई भी नहीं करी है ना, तो मैं ऐसी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जो बहुत अच्छे से अपने अपने बच्चों का पालन कर रही हैं, जिनको कोई समस्या नहीं है, उनको किसी पुरुष की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा पुरुष है आपकी ज़िंदगी में जो आपको मारता है, आपको परेशान करता है, दहेज मांगता है, तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों उनके साथ रहना चाहती हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और पूछता हूँ, आप डॉक्टर हैं पेशे से, आपके हस्बैंड भी बहुत बड़े आई सर्जन हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी आते होंगे कि जो नशे के आदी हैं। नशा पूरे शहर के अंदर एक नासूर की तरह फैला हुआ है, हर युवा स्मैक या चर्स, गांजा या अफीम का शिकार होता जा रहा है, तो इससे आप क्या, कैसे छुटकारा पाया जाए? NDPS के एक्ट भी लागू है और भी स्मैक पकड़ी जाती हैं, और ख़ासकर हाशी शहर का युवा काफ़ी एक्सटेंड तक नशे में डूबता जा रहा है, या बेरोज़गारी का असर है या कोई अन्य सोसाइटी में कुछ सिस्टम बिगड़ा हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नशा वाली आप चीज़ कह रहे हैं, तो इसके लिए कुछ हद तक मैं उनके माँ बाप को भी ज़िम्मेदार ठहराती हूँ। जब पहली बार आपका बेटा नशा करके घर वापस आता है, तो माँ क्या कहती है, अपने अपने जो पिता है, उसके जो पिता है उसे छुपाती है उस चीज़ को। तो वहीं से उस बच्चे को ना उस चीज़ की शय मिलना शुरू हो जाती है कि माँ नहीं बताएगी। पर जब तक आगे जाके वही बच्चा इतना उस चीज़ में डूब चुका होता है कि वो उसी माँ की परेशानी का कारण बन जाता है। तो पहली बात तो यह है कि जब आपको पता चले कि आपका बच्चा नशा करने लग गया है, लत में चला गया है, तो आप इसको छुपाओ मत, आप दुनिया से उसको डिस्कस करो, दुनिया मतलब कि आप आस पड़ोस में या किसी डॉक्टर से उसको डिस्कस करो, ताकि आपकी मदद की जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो इन नशे की आदतों को छुड़वाते हैं। और आप बिलीव कीजिए कि आप 2-3 महीने में तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होकर वहाँ से निकलता है, पर उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे को उस नशे से फिर से दूर रखने की जिम्मेदारी रहती है। ड्रग एडिक्शन कैसे छुड़वाई जाए? जो बिल्कुल रिहैबिलिटेशन सेंटर रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जो 10-10 साल से ड्रग एडिक्ट हैं और अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े शहरों में भी ड्रग एडिक्ट होते हैं, पर आप देखिए कि सभी लोग मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विल पावर, वो उस चीज़ को छुड़वाते हैं वहाँ पर। चलो आइए राजनीति की बात करते हैं। आप बीजेपी में हैं जी, और बीजेपी सेंटर में प्रचंड बहुमत से आई, बिल्कुल, और प्रदेश का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया, मुहाने पे है, बिल्कुल अक्टूबर माह में चुनाव होना है, और बीजेपी का एक नारा है, स्लोगन है, अब की बार 74 पार। तो आपको लगता है कि अब की बार 74 पार वाकई हो जाएगा क्या? ऐसे सभी ने उनको नारा दिया अब की बार 74 पार। हाँ। हमने भी एक नारा बनाया है, अच्छा, 90 के 90 विधानसभा पे कमल का फूल खिलाना है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी को भारी मतों से जिताना है, जिताना है। तो ऐसा नहीं है 74 पार की बात नहीं, हम तो 90 की 90 की बात करेंगे आपसे। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है 90 की 90 पे, पता क्या है, लोग इतने खुश हैं हर तरीके से। आप देखिए, हांसी में हमारे पास बीजेपी का लीडर नहीं, मतलब MLA नहीं है, फिर भी कुछ मतलब काफ़ी हद तक जो आज तक हमने इतनी तरक्की हांसी में नहीं देखी, चाहे हम किसी भी चीज़ को देखें, जो कमियां रह रही हैं वो सिर्फ इसलिए रह रही है कि हमारे पास यहाँ का बीजेपी का MLA नहीं है। पर अगली इस बार हम जब उनका MLA बना देंगे, तो आप देखिए यही
चीज़ ना, मतलब आपको 100 गुना तरक्की मैं आपको हंसी में होती हुई दिखाऊंगी हर तरीके से। आप देखिए जहाँ पर भी आप जाएँ, जहाँ पर बीजेपी के MLA हैं वहाँ पर किसी मतलब तरक्की की आप देखिए कोई कमी ही नहीं है। मतलब आप देखेंगे हर जगह खुशहाली है, तरक्की, आप हिसार चले जाइए, डेवलपमेंट ऑल, मतलब हर जगह। आप तो बहुत पैराडॉक्सिकल बात करती हैं, अगर जहां बीजेपी का MLA नहीं हो तो वहां डेवलपमेंट नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं है, सुनिए आप मेरी बात। आप कांग्रेस की बात बताइए, रेणुका बिश्नोई है तो इसका नहीं, मतलब आप सुनिए मेरी बात, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप सुनिए, जैसे कि आप मेरे को एक बात बताइए, आप किसी रिक्वेस्ट को मेरे पास लाएंगे तो मैं उस रिक्वेस्ट को देखकर बता सकती हूँ ना कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। जब तक वो रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। आप उस रिक्वेस्ट को अपने टेबल पे रख के अपनी फाइलों में दबा लेंगे, जैसे हमने किसी को MLA को, हमारी रेणुका बिश्नोई जी को कोई रिक्वेस्ट दी कि हम चाहते हैं हमारी हाँसी में ये तरक्की हो, और वो रिक्वेस्ट उनकी फाइलों में कहीं दबी रह गई, हमारे CM साहब तक पहुँची ही नहीं, तो आप बताइए कहाँ से होगा। यानी कि उनको आप बिल्कुल लेथर्जिक मानती हैं। आप मुझे बता दीजिए आपने कितनी बार देखा उनको यहाँ पर। वो तो कहती है अक्सर मैं विधानसभा में आवाज़ उठाती रहती हूँ। नहीं मैं आप मैंने मेरे को आप एक इंटरव्यू दिखा दीजिए उनका जिसमें उन्होंने आवाज़ उठाई हो। नहीं बकौल यानी कि रेणुका बिश्नोई नहीं, जो वो खुद कहते हैं, अगर वो उठाती तो मैं एक चीज़ जानती हूँ, बीजेपी एक ऐसी सरकार है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में बाढ़ आई, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है, पर वहाँ पर भी PM साहब ने बहुत अच्छी ग्रांट दी उन बाढ़ पीड़ितों के लिए। ऐसे ही हमारे CM साहब हैं, उनके अंदर ये भेदभाव नहीं है कि आज यहाँ पर हमारी सरकार नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको एक मांगना तो पड़ेगा, आपने सुना है ना कि मांगोगे तभी तो कुछ मिलेगा। चलो हम बात करते हैं आप पे आते हैं सीधे। आप एक डेंटल सर्जन हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं, अब जन प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं वार्ड नंबर 7 की, वाइस चेयरमैन है नगर परिषद की, जो बीजेपी बेस्ड नगर परिषद है, सभी ज़्यादा ज़्यादा मेजोरिटी पार्षदों की बीजेपी की है। आप यानी कि हांसी में अपने आप को टिकट के लिए कितना दावेदार मानती हैं, हाउ मच यू आर क्लेमेंट फॉर द हांसी टिकट या विधायक के लिए MLA के लिए। देखिए मैं आपको आज एक बात बोलती हूँ, मैं टिकट की लिस्ट में हूँ नहीं हूँ, मेरा क्या मन है कहीं मैटर नहीं करता, ये पार्टी का फैसला होना चाहिए कि वो किसको टिकट देना चाहती है। मैं अपने आप को दावेदार मान के बैठ जाऊँ, पार्टी सोचे नहीं ये तो कहीं हमारे आंकड़ों पे सेट ही नहीं आती, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है ना। तो हम तो श्री आप क्यों नहीं अपने आप को यानी मानती दावेदार, देखिए ये सब हाईकमान का पार्टी का फैसला होता है। इट्स नॉट ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मैं बिल्कुल धरातल की बात, दिस इज नॉट ए हाइपोथेटिकल आंसर, बट देखिए मैं खुद पार्टी से इसलिए जुड़ी हुई हूँ, मेरा कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, पर्सनल स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यू आर नॉट एस्पिरेंट फॉर द MLAship या इट इज नथिंग लाइक दैट, आई थिंक आई हैव इनफ क्वालिटीज टू बी एन MLA, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि हमारी जो पार्टी है ना बीजेपी पार्टी, उसके अंदर मतलब मैं बहुत नई हूँ इसके लिए, मैं जब MC का चुनाव लड़ा था तब मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मैं पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहती हूँ। उस टाइम आपके दादा RSS से जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, आपके पिता जो हमारे क्लासमेट भी रहे हैं, क्लास फेलो भी रहे, हम एक दूसरे दोनों एक ही साथ एक क्लास में फेल हुए, तो ये मैं बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर अनिल भारद्वाज, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सारा आपका परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा हुआ, आप स्वयं भी एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स बहुत आते हैं पॉलिटिक्स में, तो आप अपना क्लेम क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आपने मुझे बोला मेरे दादा राष्ट्रीय RSS से हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ से हैं, ठीक है, तो उन्हीं की नीतियाँ हैं ये जो मैं आपको आज बता रही हूँ कि यहाँ पे ना कुछ मांगा नहीं जाता, यहाँ पर जो दे दिया जाता है उसे आशीर्वाद समझ के रख लो बस, हम मांगते नहीं है कर ये है। नहीं नहीं आप देखिए मैं आपको फिर वही बात बोल रही हूँ, मैं दावेदार हूँ नहीं हूँ ये एक अलग बात है, मैं क्वालिफाइड हूँ नहीं हूँ वो भी एक अलग बात है, नहीं, पर ये नहीं नहीं, नहीं शब्द क्यों लगाते हो, आप क्वालिफाइड नहीं, आप सुनिए उस बात को, आप समझिए, मैं आपको फिर वही बात कह रही हूँ कि मैं दावेदार नहीं हूँ हूँ फिर वही हो गया, पर जो RSS के जो हमारे अंदर मेरे दादाजी के खून में जो वो है ना उसकी वजह से मैं, हाँ संस्कार जो है वो यही है, मतलब उन्होंने कभी अपना ये आज तक आपको कभी भी ये पता नहीं चला होगा कि मतलब आधे लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि वो RSS में रहे हैं इतने सालों से, तो वो उनके ट्रेड्स हैं हमारे अंदर कि हम
मांगना हमने सीखा ही नहीं, या हम किसी पे थोपना नहीं चाहते कि हम ये हैं तो हमें ये मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन पार्टी समझेगी कि हाँ इसने कुछ किया है पार्टी के लिए, अपने आप दे देगी, मांगने से तो कुछ भी नहीं होगा। चलो 4 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है हांसी में, मूव कीजिएगा, जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है हांसी में, तो आप उस जन आशीर्वाद यात्रा का, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी हैं और कई ऐसे मंत्री और हैं उनके साथ, प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, तो उनका वेलकम करेंगे, कहाँ करेंगे? जी बिल्कुल, पीर बाबा के सामने 8:30 बजे हम लोग उनका जोर शोर से स्वागत करेंगे, और मैं चाहूँगी आप सभी वहाँ भारी जनसंख्या में पहुँच के उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि उन्होंने शुरू से ये बोला है सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है पिछले 5 सालों में, जो इतने सालों से जो कार्य हरियाणा में नहीं हो पाए वो इन पिछले 5 सालों में मनोहर लाल जी ने करके दिखाए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाए हैं। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं गाँवों से जो वो बताते हैं ना कि दीदी हमारी नौकरी लग गई, तो मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो बोलते दीदी इससे भी अच्छी बात एक बताएं, बिना पैसों के लग गए, तो वो एक इतनी प्राउड फीलिंग होती है कि मतलब जब वो आके बोलते हैं ना, और इतने मतलब गरीब परिवारों से बच्चे अब लगे हैं इस बार, कि उनके आप सोचिए पहले जिनके पास खाने के लिए ढंग से पैसे नहीं होते थे, आज वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो सिर्फ सीएम साहब की देन है, सीएम साहब जो उनकी सोच है उसकी देन है वो, कि मतलब सभी को नौकरी मिले, सभी के परिवार में खुशहाली आए, हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को टोटल फैसिलिटीज दी जाए हरियाणा में, ताकि लोग खुश रहें, स्वस्थ रहे, और सबके घर में मतलब खुशहाली रहे। आप जन आशीर्वाद यात्रा का वार्म वेलकम करेंगी पीर बाबा की मजार के पास सामने, बिल्कुल। ये थी डॉक्टर श्री शर्मा, वाइस चेयरमैन नगर परिषद की। इन्होंने बड़ा बेवाकी से हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया। ये कहती हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ, नशा मुक्ति के लिए काम करती हूँ, और शहर की बेबुद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हूँ। शहर में, नगर परिषद में कोई गुटबाजी नहीं है, शहर का विकास हो रहा है, और बीजेपी के लिए इनका दिल धड़कता है। हम कहते हैं कि अब की बार 74 पार, जैसे कि बीजेपी के नेताज कहते हैं, लेकिन इन्होंने तो उनसे बढ़कर कहा अब की बार 90 पार, यानी कि 100% बीजेपी हरियाणा प्रदेश में छाएगी, और कमल का फूल पूरे प्रदेश में फिर से महकेगा, और सुगंध सबको कमल के फूल की आएगी, बकौल डॉक्टर श्री शर्मा। डॉक्टर श्री शर्मा, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए आप, हम आपके आभारी हैं, और आपने बड़ी अच्छी तरह से अपनी बात रखी। डॉक्टर श्री शर्मा एक लंबी बीमारी के बाद वापस लौटी हैं, बड़ी स्वस्थ नज़र आ रही हैं, और अपनी वाइस चेयरमैन की सीट पर जाती हैं, वहाँ बैठती हैं, और विशेष गुड विशेष टू यू। मित्रों, इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।